और दोस्तों आज मैं आपको ना एक ऐसी प्लेस पे लेके आ रहा हूँ पहली बात तो यहाँ आम बंदा पहुँच नहीं पाता क्योंकि अगर कोई बंदा अयोध्या आता भी है ना घूमने के लिए तो फिर वो कल मेन साइड पे आके वहीं पे घूम के चले जाता है गाइस ये जगह ना फोर्टी फाइव या फिफ्टी किलोमीटर दूर है अयोध्या की मेन साइड से एंड ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है मतलब यहाँ ना जो यहाँ के लोकल हैं पचास सौ किलोमीटर के रेडियस के अंदर लोग हैं सिर्फ वही यहाँ पे आते हैं क्योंकि उनको इस बारे में पता है मतलब आम अदरवाइज़ दूर वाली जगह पे लोगों को पता ही नहीं होता इस प्लेस के हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में गैस ये ना कहते हैं कि यहाँ पे जब राम और सीता जी बनवास को निकल रहे थे ना तो अयोध्या से निकलने के बाद ये पंतालीस पचास किलोमीटर की दूरी पर ये उनका पहला स्टॉपेज था यानी कि यहाँ पे उन्होंने रुके एंड यहाँ पे ना सीता जी ने शिटू का बात यहाँ पे नहाए थे इधर एक तालाब है मैं आपको दिखाता हूँ इधर आके और दोस्तों सबसे पहले मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे इधर देखो ये देखो उससे पहले गायज यहाँ पे ना एक बड़ा पुराना वेल यानी कि खू जिसे कहते हैं गायज डेकेड्स पहले ही बंद हो गया अब इसमें कूड़ा कबाड़ फेंक के लोगों ने भर दिया है इसमें एंड uh, आपको ना सबसे पहले ये दिखाता हूँ ये जगह uh, इस जगह का नाम सीता कुंड है uh, इंडिया के अंदर और नेपाल के अंदर ना सीता कुंड नाम की बहुत जगह मिल जाएगी आपको बहुत ज़्यादा जगह ये देखो गैस। सीता कुंड धाम तोरा माफी द्रावगंज अयोध्या ये मेन साइट है अंदर मंदिर है ये पीपल का दरख्त यहाँ पे लोग मत्था टेकते हैं एंड हाँ गैस वो जो पीछे आपको बहुत बड़ा तालाब सा दिख रहा है एक मिनट मैं आपको ना यहाँ से जाके दिखाता हूँ वेट और गैस यहाँ पे ना रेस्टिंग प्लेस है ये सिंपल सी यहाँ पे आके लोग बैठ सकते हैं इधर आराम कर सकते हैं थोड़ी देर यहाँ पे देखो कोई आपको टूरिस्ट वगैरह कोई नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे क्योंकि किसी को पता ही नहीं है इस बारे में इस जगह के बारे में आ, ये देखो गैज़ ये स्टेयर्स यहाँ पे बनाई हुई हैं एंड गैज़ ये वाले तालाब में वो देखो उस साइड से भी इन्होंने स्टेयर्स बनाई है वहाँ पे वो देखो उधर से भी लोग यहाँ पे डुबके लगा सकते हैं एंड uh, मतलब ये काफ़ी गंदा हो गया है इसमें ना सफाई वगैरह कुछ नहीं है इधर वो एक अंकल वो लेटे हुए हैं उधर सामने वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि ये बंदा कौन आ गया क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पर टूरिस्ट वग़ैरह कोई आता ही नहीं है किसी को इस जगह के बारे में पता ही नहीं है गायजिया uh, ना अयोध्या से सुल्तानपुर वाला जो रोड है uh, जब आप फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन से आप वाले रोड से इधर आओगे ना तो ट्वेंटी टू या ट्वेंटी थ्री किलोमीटर आपको आके लेफ्ट साइड को एक रोड मुड़ता है बीकापुर से जाना बाजार रोड है वहाँ से तीन किलोमीटर आपको ब्रेक मारनी है आके एंड ये जगह वहीं पे है ये मंदिर वो दरख्त वहाँ पे गिर गया है ये देखो लोगों ने फूल वग़ैरह फेंके हुए हैं जो लोग वो देखो नारियल भी फेंका हुआ है किसी ने तो मतलब जो लोकल लोग हैं यहाँ के उनको इस जगह के बारे में काफ़ी नॉलेज है तो वही आते हैं यहाँ पे मत्था मुथा टेक के चले जाते हैं एंड गायज यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ना एनवायरमेंट भी बड़ा ज़बरदस्त है इधर का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है इधर का ये देखो मतलब ना कोई गड्डी धुआं धक्कड़ हर एक चीज़ से बड़ी राहत है अच्छा गायज सबसे पहले यहाँ का हैंडपम्प देखो इस साइड के ना जो हैंडपम्प होते हैं गवर्नमेंट फंडेड ये देखो ऐसे हैंडपम्प ना हरियाणा हिमाचल पंजाब कहीं मिलेगा ही नहीं आपको इसकी ना ख़ास बात होती है इसको एक बार इसका हत्था अगर आप चलाओगे ना तो दो लीटर पानी एक झटके में बाहर आता है इधर का ये तालाब एक जरा लोकल से बात करके देखते हैं यहाँ पे कैसे हो भाई बढ़िया भैया हाँ मछली मार रहे हैं अच्छा 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 आप यहीं पर आते हो ना लोकल हाँ अच्छा 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 ठीक है ये हमारे साथ लोकल है एक अच्छा भाई साहब ये बताओ ये सीता कुंड यहाँ पे सीता जी नहाए थे यहाँ पे आके ना हाँ, हाँ भैया यहाँ यहाँ सीता कुंड है वहाँ रामकुंड है कहाँ पे वो वो राम कुंड है और उसके बगल में इसके बगल में लक्ष्मण कुंड है नहीं नहीं नहीं, नहीं रामकुंड कहाँ वो यहाँ से दिख रहे सड़क हाँ, के, के उस पार राम कुंड उधर भी मंदिर बना हुआ है नहीं मंदिर नहीं है बल्कि कुंड है जहाँ राम जी नहाए थे गाय पे एक और हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में जानकारी मिल गई है हमको वहाँ राम कुंड भी है हाँ, उधर लक्ष्मण कुंड भी है हनुमान हाँ, कुंड भी है अच्छा ये बताओ यहाँ के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है कुछ है। आप ये मतलब इसकी सफाई वगैरह नहीं होती है हर होती होती साल होती है नहीं तो ऐसी बात है की यहाँ के जो करता देता है वो इस पे ध्यान नहीं देते अच्छा कोई ध्यान ही नहीं देता मतलब तो ये ऐसे गंदा साल में एक आधी बार तो सफाई होती होगी इसकी कि नहीं? हाँ, हाँ, सफाई होती है भैया अच्छा सफाई है, करवाते हैं है। सफाई होती है अच्छा अच्छा ऐसी नहीं। बात नहीं है बाकी भैया यहाँ वही हिसाब बात है अच्छा भैया अच्छा। कोई देख रेख वाला है नहीं अच्छा अच्छा इसलिए जो है इतनी सफाई नहीं है यहाँ मैंने देखा यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह कोई आता है नही किसी को जानकारी नहीं है चलो ठीक है और बगल में भैया राम कुंड है लक्ष्मण कुंड है हनुमान कुंड है अच्छा कोई मेरे को यहाँ से दिख रहा है अगर आप निशानी कोई बताओगे यहाँ से वो रामकुंड है अच्छा अच्छा तो मतलब जगह वगैरह नहीं है कोई निशान निशान नहीं है है सागर है जैसा ऐसा सागर है ऐसा वो भी सागर अच्छा 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 उसमें पानी नहीं है अच्छा अच्छा चलो मैं वहाँ पे देखता हूँ और लक्ष्मण कुंड यहाँ पर है लक्ष्मण कुंड ये बगल में है वहाँ से सीधे ऐसे जाएंगे अच्छा तो सीता जी ने यहाँ स्नान किया था हाँ। राम जी ने वहाँ स्नान किया था और लक्ष्मण जी ने उस साइड किया था और हनुमान कुंड बगल में है।, वहां है अच्छा हनुमान कुंड और पीछे और है यहाँ है वे तो पीछे आपसे बात करके बहुत फायदा हुआ हाँ वैसे ना मैं यहीं यहीं पे लोकल हूँ मैं भी हाँ लेकिन मेरे को ना किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है अच्छा तो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ताकि लोगों को यहाँ के बारे में पता लगे और लोग यहाँ पे आए इधर मतलब अच्छा गैस एक तो मेरे फ़ोन का ना फोर्टी एट कैमरा है तो इसमें अराउंड ये तीन चार सौ एमबी की तो वीडियो भोगी होगी अब वीडियो बंद करके ना अलग नवी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं रामकुंड जाके अभी बाय बाय